हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। मैं पूर्णिमा शंकर आप सभी का स्वागत करती हूँ राशि उपचार में। दोस्तों, जैसा आप सभी जान रहे हैं, 14 जुलाई से शुरू होने वाला है हमारे महादेव का पर्व यानी कि सावन। और आज मैं खास महिलाओं और उन कुंवारी लड़कियों के लिए वीडियो लाई हूँ। उन्हें बताने वाली हूँ कि किन तीन चीज़ों से आप इस सावन कर सकते हैं महादेव को प्रसन्न, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव सभी देवों में जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी के प्रिय मास सावन में विशेषकर सुहागन महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन और कुछ ऐसे जरूरी काम बताए गए हैं जिन्हें व्रत रखने से पहले कर लेना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन मास में सौभाग्यवती महिलाओं और लड़कियों को कौन सी ऐसे काम करने हैं या कौन सी ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिनसे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और मन चाहा वर प्राप्त हो सके। पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि सावन मास 2022 कब से शुरू होगा। दोस्तों, साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, वही सावन मास की समाप्ति 12 अगस्त को होगी। 18 जुलाई सावन का पहला सोमवार व्रत होगा, 25 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार व्रत, 1 अगस्त सावन का तीसरा सोमवार व्रत और 8 अगस्त सावन का चौथा सोमवार व्रत होगा। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमें कौन सी चीजें लेनी चाहिए सावन में। पहला है दोस्तों कि लाल वस्त्र। सावन का पूरा महीना शिव भक्ति के लिए खास होता है। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है जो मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार सावन मास में सुहागन महिलाओं और लड़कियों को अखंड सौभाग्य और मन चाहा वर पाने के लिए सावन शिव पूजा में लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। शुभ कार्यों में लाल रंग का विशेष महत्व माना जाता है, ये रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है। दूसरी है दोस्तों हरी चूड़ियां। ज्योतिष में हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध ग्रह के प्रभाव से ही व्यक्ति के जीवन में शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह जितना मजबूत होगा उसे उतनी सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में हरे रंग का खास महत्व माना गया है, इसलिए सावन व्रत रखने से पहले सभी सुहागन महिलाओं और लड़कियों को हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी खरीदकर सावन में इन्हें धारण कर शिव पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य और जीवन में खुशहाली की प्राप्ति होती है। फिर दोस्तों हमारा आता है सुहाग सामग्री। सावन का महीना शिव गौरी की विशेष कृपा पाने का महीना होता है। सावन सोमवार के व्रत महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना और कन्याओं द्वारा मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। प्राचीन मान्यता अनुसार सावन माह में न सिर्फ सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए बल्कि इस महीने किसी अन्य सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान दान भी करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र। शास्त्रों में सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर का खास महत्व बताया गया है। सभी सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना बहुत ही जरूरी माना गया है। सिंदूर 16 श्रृंगार की सबसे खास और जरूरी चीजें मानी जाती है। मान्यता है कि वैसे तो हमेशा ही सुहागन महिला को सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरना चाहिए, लेकिन सावन मास में विशेषकर सभी सुहागन महिलाओं को इसे रोजाना अच्छी तरह से मांग में भरना और मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि सिंदूर लगाने से देवी पार्वती और महादेव महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी है दोस्तों बेलपत्र। मान्यता है कि जल और बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती, क्योंकि पुराणों के अनुसार जल और बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से उनका मस्तक शीतल रहता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास बातें हमारी महिलाओं और उन लड़कियों के लिए जो इस बार सावन व्रत रख रही हैं। आप ये चीज़ें ज़रूर खरीदिएगा। उम्मीद है कि आपका भी व्रत संपूर्ण हो और महादेव पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती और अच्छे वर प्रदान जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए राशि उपचार। धन्यवाद।